अस्सलाम फ्रांपी। वालेकुम सलाम, दिल्ली क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा फ्रांपी, एक रिव्यू करें। कौन सी गाड़ी का? मेहरान का। वो तो कर लिया यार, दोबारा करते हैं। क्यों? उसके अंदर ना मैंने मॉडिफिकेशंस कराई हैं उसकी बॉडी के अंदर, उसके इंजन के अंदर, और सारी गाड़ी जो है ना बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तैयार करा ली है। चलो जाके चेक करते हैं फिर। आ जाए, उसके कुछ फीचर्स तो बहुत ही आउट क्लास है, मतलब मेरा तो माइंड ब्लोन हो गया उनको देख के। जैसे कि सबसे पहले सेफ्टी फीचर उसका बड़ा ज़बरदस्त है ना, आजकल नई गाड़ियों में आ रहा है इमोबिलाइजर। हाँ जी, उसके अंदर आ रहा है एंटी थेफ्ट। कब से? 2005 से, जब पहले से आती थी, जब से मेरे पास। सीरियसली ये चाबी है, आप उसे खोल के दिखाएं मुझे। आए चलो, मैं ट्राई करता हूँ। चले आ गए। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पर अभी एड लगाएं, डे लाइट में पिक्चर्स लें, एड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर एड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना एड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। ये तो वाकई नहीं खुल रही, इसी की चाबी है। ये देखें फ्रांस साहब, इसी की चाबी है। ये बेसिकली सिर्फ ऑनर के हाथ से खुलती है, ठीक है? ये देखें, अब इसके अंदर ये बेसिकली चाबी का भी कमाल नहीं है, ये गाड़ी का एक सिस्टम है स्टेट ऑफ द आर्ट। उसके अंदर ये है कि इसको कहते हैं यूज़र आइडेंटिफिकेशन लॉक। इसके अंदर क्या करती है गाड़ी, आपको जो है ना कंपनी कहती है कि 2 साल के अंदर गाड़ी अपने ऑनर को पहचान लेती है, और 2 साल के बाद ना आप इसी चाबी से जो है ना गाड़ी को खोलेंगे और ऑनर के अलावा किसी से भी नहीं खुलेगी। 2 साल के बाद? 2 साल के बाद, क्योंकि वो थोड़ी सी गाड़ी पुरानी हो जाती है ना लॉक वगैरह। और एक और चीज़ ये है कि इसी के सेम केस ये है कि जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट भी आपसे नहीं होगी, जो यूज़र होगा उसको पता होगा कि किस तरह स्टार्ट होगा। ये डिफरेंट किस्म का इमोबिलाइजर है, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इमोबिलाइजर है, एंटी थेफ्ट फीचर है ये बेसिकली। आए चले मैं आपको गाड़ी का फ्रंट दिखाता हूँ। अच्छा भाई एक बात तो आपने मुझे बतानी है जी, फ्रंट से ये कौन सा मॉडल लग रहा है आपको? ये 2005 बताया आपने, लेकिन हाँ, ये मुझे फेसलिफ्ट लग रहा है। हाँ, अब ये देखें बेसिकली ये जो गाड़ी आई थी ना, ये आई थी 2005 का मेरे पास मॉडल, लेकिन ये 2012 लग रही है आपको। आपको भी पता नहीं लगा होगा, नज़रों का धोखा भी नहीं लगा आपको। आजकल फेसलिफ्ट टाइम में बड़े ज़्यादा लैंड क्रूजर प्राडो वगैरह के वो पकड़े जाते हैं, यहाँ से किसी ने पहचान लिया, किसी ने ग्रिल से पहचान लिया। ये देखें आप, बिल्कुल जेन्युइन, सुजुकी ने भी यही करके दिया था, और ये बड़े कम लोग कर रहे हैं। ये मैंने खुद किया था 2015 के अंदर। तो कैसे होता है, कितना टाइम लगता है? ये बड़ा लंबा प्रोसीजर है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए बता देता हूँ। कुछ भी नहीं करना, ये आपने एकदम से आगे बोनट खोल लें, ये और ये दो नट निकाल लें, फेसलिफ्ट। और क्या करना है? बस फेसलिफ्ट हो गया। यही फेसलिफ्ट है, कंपनी ने भी यही किया था, सुजुकी भी ने तो यही किया था। वो करे तो ठीक है, हम करें तो गलत है। कितने पैसे लगते हैं इस पे? इस पे जी बड़े लंबी अमाउंट लग गई थी, 150 रुपये 2015 में। तो ये दो आपने अपग्रेडेशन कराई हैं, ये बॉडी की हैं, ये बॉडी की हैं। अभी अंदर की चीज़ें आपको बताएंगे, वो बड़ी ज़बरदस्त। चलो वो भी चेक कर लेते हैं। अच्छा तो बाकी अब मैं अंदर के फीचर वगैरह बताता हूं, मैं खासे निकलते हैं रोड पे, फिर आपको मैं बताता हूं। स्टार्ट करो यार, अंदर से मुझे वैसे सेम ही लग रही। अंदर से तो ऐसे जब भी डिफरेंसेस नहीं आए हुए, वो बस जो नया इन्होंने लॉन्च किया उसके यहाँ थोड़े बहुत डिफरेंसेस आए हैं, ये वाले तो सेम ही है वैसे। अच्छा फ्रांस, बड़ी गर्मी सीट बेल्ट पहन ले। हाँ जी सीट बेल्ट भी पहन लेते हैं। अच्छा अब इसके सीट बेल्ट के अंदर एक और फीचर हो गया, वह पहले ये खुलती नहीं थी, ये बंद नहीं होती। हाँ बंद हो जाती है, तो अब यहाँ से भी नहीं निकलती, यहाँ से तो ऊपर जाती नहीं है, और कभी कभी यहाँ से निकलती भी नहीं है। अब वो कहती है सेव कर दी, वो एक्स्ट्रा सेव करती है, कहते हैं ना चलाओ आज के दिन ना, उसे जिस दिन लग रहा होता है ना कि कोई मसला है तो बड़ी यार, गर्मी है एसी थोड़ा सा चला दो। हाँ मैं चला देता हूँ, बहुत है। हाँ जी बहुत है, मतलब हाँ, वो ज़्यादा करेंगे सर्दी लगेगी। आप एसी यहाँ से नहीं चलता? नहीं इसके दरवाजों में आता। बताएं फिर यार उससे, मतलब लंच भी करना है फिर रिव्यू भी करना है। ओके 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 जी ठीक है। तो जी देखें जी, सबसे पहले तो इसके अंदर मुझे जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ लगी है ना, वो ये थी, ये हाइब्रिड मॉडल जो इन्होंने लॉन्च किया है ना, वो बहुत अच्छा था। मेहरान हाइब्रिड कब हाँ, लॉन्च हुई? आपने पहली हाइब्रिड गाड़ी कौन सी देखी थी पाकिस्तान में? प्रियस। नहीं प्रियस तो देखें 2009-10 में आई है, असल जो हाइब्रिड थी ना वो मेहरान लॉन्च हो गई थी मेरे ख्याल से। लोगों ने तो 90s को भी कन्वर्ट करवा लिया है बेसिकली, वरना 2005 के अंदर तो ये कंपनी फिटेड हाइब्रिड मॉडल्स आते थे इसके। बैटरीज थी एक्स्ट्रा लगी? नहीं नहीं, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड का मतलब होता है जो दो टेक्नोलॉजीज को यूज करे, है ना, इलेक्ट्रिक और पेट्रोल को। नहीं नहीं, वो तो आपने अपना बनाया हुआ ना हाइब्रिड, वैसे हाइब्रिड मतलब दो को मिक्स होता है। तो इसमें ना हाइब्रिड एक माशाल्लाह से किट मिलती थी, जिन दिनों आती थी 25,000 रुपए की हाइब्रिड किट, और जैसे ही आप हाइब्रिड मॉडल फिट करवाएंगे ना किट अपनी गाड़ी में, तो दो चीजें बिल्ट इन आ जाती हैं आपको। अच्छा। मतलब एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, वो ये होता है कि इको मोड और स्पोर्ट्स मोड। इको मोड ये है, ठीक है, आपने इस बटन को इस तरफ करना है, ये इको पे चलेगी गाड़ी, जरा पिकशिक कम लेगी और स्लो चलेगी। आपने इसको जैसे ही इस तरफ करना है ना, ये स्पोर्ट्स मोड के, नहीं स्पोर्ट्स कहते हैं, पेट्रोल नहीं होता,
स्पोर्ट्स मोड पे करेंगे आपकी गाड़ी एकदम से यूं करके आपको ऐसा मजे देगी ना, आपका मजा आ जाएगा आपको चलाने में। अच्छा मुझे याद है कि इस वक्त मैं चला रहा हूँ स्पोर्ट्स मोड में, तो मैं कहता हूँ एक दफा 0-100 ना चेक कर लें गाड़ी का। भाई रहने दो, मुझे उतार के कर लेना, खुल जाएगी। नहीं नहीं खुलने का कुछ भी नहीं होता, खुलने से याद आया इसके कल जो है ये टायर ऐसे जाते जाते ना ऐसे खुल गई थी गाड़ी, अगले टायर दोनों खुल गए थे, मैं ऑफिस ही आ रहा था कल। क्यों कैसे? कुछ भी नहीं, वो इसके गोडे गिट्टे रह गए थे। आपके? नहीं नहीं मेरे नहीं, गाड़ी के। गाड़ी के इधर इस साइड वाला गोडा था वो निकल गया था, तो कल पूरी गाड़ी जाना स्टेयरिंग ऐसे ऐसे करना शुरू हो गया और ये टायर बाहर को निकल गया था, फिर उसके बाद जाके मैंने इसका कल सारा काम कराया, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अब करते हैं 0-100 करें। तो यार मुझे डर लग रहा है। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, डरना नहीं है। चलो यहाँ ट्राई कर लो आप। अचीवमेंट की फीलिंग आ हाँ। मुझे याद आया कि लास्ट ईयर तक जब मैं गाड़ी चला रहा था ना तो ये रिट्रैक्टेबल मिरर्स नहीं थे इसके अंदर, ये इसी साल लॉन्च हो गए हैं। मेरे ख्याल से जरा बारिशों में बाहर खड़ी रही है ना तो बिल्ट इन फीचर जो है वो खुद ब खुद ही ऑन हो गया है। अब ये है कि 60 से ऊपर जाती है ना गाड़ी तो ये खुद ब खुद ही बंद हो जाते हैं, तो मैंने उसके लिए ये कर लिया है कि जब भी कभी गाड़ी पार्क करनी हो तो मैं पहले एक राउंड लगा के आता हूँ, तो एक लीटर पेट्रोल जाया करके 60 की स्पीड पे चलाता हूँ, 80 पे बंद हो जाते हैं शीशे पर खड़ा। तो हार्ड से नहीं होते वो? मैनुअल चीज का मजा नहीं है ना, ऐसे मजा आता है आपको चलाने का। और जिले इसमें क्या फीचर्स हैं जो आपने मैं ये अक्सर देख रहा था लोगों को बूट स्पेस का बड़ा मसला होता है, मुझे समझ नहीं आती, सारे कहते रहते हैं बूट स्पेस नहीं है, बूट स्पेस नहीं है, बूट स्पेस नहीं है। तो आपने कोई डिग्गी लगवाई है? नहीं नहीं डिग्गी नहीं लगवाई हुई, मैं हमेशा मोस्टली ना जूते उतार के गाड़ी चलाता हूँ, तो ये देखे ना बूट्स में ऐसे सारी स्पेस आ गई है, ये बूट्स में इतनी स्पेस है, दोनों में काफी स्पेस है। सेफ्टी के लिए कोई आपने देखा है मैदान में सेफ्टी नहीं होती? हाँ नहीं नहीं इस वाली में अब मॉडिफिकेशन आ गई है, ये जो है ना ये इस जगह पे एयरबैग है? नहीं नहीं एयरबैग नहीं है, ये बड़ी है। और कुछ? इंशाल्लाह गाड़ी चेंज करने का थोड़े दिनों तक प्लान है, मतलब महीनों तक। इतनी जबरदस्त गाड़ी चेंज कर रहे हो? वो मेहरान वालों आपको पता है डायलॉग होता है उनका कि हाँ चेंज करने लगे हैं बस वैसे ही ली दी है। अच्छा। तो पैसे काफ़ी बच जाते हैं मुझे इस गाड़ी की वजह से। वो कैसे? मोस्टली ये होता है कि सिग्नल्स के ऊपर ना फकीर जो होते हैं वो आपको बड़े अच्छे से इग्नोर मार के ना यूँ आते हैं, यूँ आके दूसरी गाड़ी पर चले जाते हैं, और वाइपर वाले भी मोस्टली वाइपर मार के ना आगे से ऐसे कर देते हैं खुश रहो, और दुआएं बड़ी दे देते हैं लोग, माशाल्लाह प्यार बड़ा मिलता है लोगों का, सारे लोग दुआएं देते हैं, जितने भी फकीर होते हैं अल्लाह तुझे बड़ी गाड़ी दे, तो ये बड़ा बड़ा अच्छा लगता है मुझे इसको ट्रैवल करने में ना इस वजह से। चलो मॉडिफिकेशन तो नहीं है लेकिन जो भी है तो रिव्यू शुरू करते हैं। चलें ठीक है, लेट हो रहे हैं। हाँ अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ओनर्स रिव्यू की एक नई एपिसोड के साथ आपके खिदमत में हाजिर हैं। आज हम जिले की मेहरान का दोबारा से कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी मशहूर रिव्यू रह चुका है, तो अगर आपने ये रिव्यू नहीं देखा इसका पिछला वाला तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। चलें जी रिव्यू शुरू करते हैं जी। जिले कौन सी गाड़ी है, कौन सा मॉडल ईयर है आप बताएंगे? जी ये 2005 मॉडल मेहरान है और ये मेरे पास तकरीबन पिछले 15 साल से जब खरीदी थी जब से लेकर अभी तक हमारे पास ही है। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, हम काफ़ी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं और हमारी जो सब्सक्रिप्शन बेस है वो यूट्यूब के ऊपर तकरीबन 950K के करीब पहुँच गई है, 1 मिलियन होने ही वाला है। आप हमें हेल्प कर सकते हैं 1 मिलियन का गोल रीच करने पे, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर टैप करें ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो है आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और एक मिनट, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और यहाँ से शेयर करने का एक बटन आ रहा होगा उसको कभी ना भूलिएगा, और साथ में सब्सक्राइब करें और हमें जल्द से जल्द मिलियन पर लेके जाएं। थैंक यू सो मच। तो हमें फीडबैक दें, ये कॉमेडी रिव्यूज़ आपको कैसे लग रहे हैं, और हमें बताएं कि अगला हम किस गाड़ी का रिव्यू करें या बाइक का रिव्यू करें, तो हमें फीडबैक दें कि आपको ये कॉमेडी रिव्यू सीरीज अच्छी भी लग रही है कि नहीं। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।